बहुत ज़्यादा बेहतरीन। शिखर देखिए वो वाला बन रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सामने बन रहा है। जब भी जैसे रामनवमी या जैसे पीक टाइम आएगा तो इन सब पॉइंट्स से ग्रू किला। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। देखिए ऊपर के साइड वर्कर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखिए कुछ ऐसी बन के निकलेगी। बीच वाला पॉइंट बिल्कुल जो है ऐसे ही मिलता जुलता बनेगा, प्रतिमा लगाई जाएगी बीच में। देखिए इस पॉइंट पे कैसे छोटे छोटे सरिया से लकड़ी से इसको बिल्कुल घेरा गया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र की ओर की, किस प्रकार से इधर के साइड निर्माण कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों 28 नवंबर और थर्सडे के दिन की है, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं वो मार्ग जो सामने से आया है उधर से, वो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास है, बिल्कुल ही पास से मतलब स्टेशन से, और राम मंदिर जो है बिल्कुल करीब में है उस पॉइंट पे। वहाँ पे जो नज़र आ रहा है प्रवेश द्वार, वहाँ पे जो है राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे राम मंदिर है। और इस साइड यहाँ पे ये नया मार्ग मतलब बनाया गया है, ये जो है निकास मार्ग रहेगा, भविष्य में जब भी भीड़ लगेगी तो इस मार्ग को यूज़ किया जाएगा। अभी चलते हैं, हम इधर ही से दिखाते हो आपको, उधर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे सुग्रीव किला के ऊपर भी चल के किस प्रकार से मतलब ऊपर की चीज़ें क्या कैसे हैं उसके बारे में बताएंगे। और चलेंगे आपको यात्री सेवा केंद्र के पास जहाँ पे मोबाइल वगैरह जमा होती, वहाँ पे भी कुछ काम हो रहे हैं उसको भी दिखाएंगे। और आपको चलेंगे राम मंदिर भी दिखाएंगे, अमावा राम मंदिर के ऊपर से अभी मौके पे कैसा दिख रहा है। तो अभी मौके की स्थिति देख सकते हैं 28 नवंबर की और बृहस्पतिवार के दिन की क्या हुई है अयोध्या की। ये रामपथ मार्ग है, इधर के साइड लता मंगेशकर चौराहा और इधर के साइड सादतगंज की ओर से आता है ये रामपथ मार्ग। करीब 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर ये लंबा बनाया गया है, पहले से इतनी ही चौड़ी सिंगल लेन की रोड थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। चलिए हम इधर से चलते हैं। देखिए बैरिगेट्स वगैरह लगा रहता है, तो भी लोग जो VVIP आते हैं और गाड़ी वगैरह जैसे कहने का मतलब है कोई पुलिस की वर्दी पहना हुआ है कोई कुछ है तो ला के मतलब खड़ा कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी लगा हुआ है। देखिए बार बार हटाता है लगाता है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए इस वाले मार्ग को भी आप देख लीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे सुग्रीव किला के राजगोपुरम द्वार का अनावरण करने के लिए, तो इन सब को बहुत ही अच्छा बन मतलब सजाया गया था काफ़ी अच्छे से। देखिए भाई अभी भी रंगोली वगैरह देख सकते हैं बनी हुई है। देखिए इधर की भी पूरी गाड़ियां जो है पार्क कर रहे हैं लोग, हमने भी गाड़ी अपनी यहीं पर पार्क की हुई है। कई लोग जैसे बाहर से आते हैं गाड़ियां पार कर देते हैं यहीं पे। अब एक बना हुआ है टेढ़ी बाज़ार के पास, तो थोड़ा सा वहां पे दूर भी है कॉस्टली भी है, तो इस वजह से लोग सोचते हैं यहां खड़ा कर लें एक घंटे में दर्शन करके चले जाएं। इन पॉइंट्स पे आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं इधर। ये देखिए यहाँ पर जो है रेस्ट करने के लिए मुझे लग रहा है श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है ये पॉइंट, और एक आगे की साइड है। देखिए थोड़ा सा वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सामने बन रहा है, जब भी जैसे रामनवमी या जैसे पीक टाइम आएगा तो इन सब पॉइंट पे जो है श्रद्धालु लोग जो है आराम कर सकते हैं। उधर से भी गेट है, जैसे उधर का गेट खोल के इधर के साइड से निकासी पूरी हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे, अभी हम उस पॉइंट पर भी चलेंगे इधर से घूमते हुए, इधर से तो सिक्योरिटी वगैरह रहती है उस पॉइंट पे। देखिए वहाँ पे अमावा राम मंदिर का शिखर दिख रहा है, अभी उसी पे चलेंगे लास्ट पे। अमावा सुग्रीव किला देखिए वो है इधर वाला, तो हम जो है फ्रंट से चलेंगे पीछे से तो जाने ही नहीं देंगे। देखिए यहाँ सब एकदम जो है इधर के साइड ढलान से उतरते पानी वगैरह बरसेगा तो बहुत ज़्यादा उधर पानी लगने का दिक्कत रहेगा, बरसात भी आने दी। उधर का भी वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से ये वाला डक्ट देख रहे हैं जिसको कि इधर से ले जाना है, बीच में ये ट्रांसफार्मर वगैरह आ रहा है, तो देखिए कब तक हटता है। इधर की सारी चीज़ें देखिए कैसे जो है सीमेंटेड पूरा रोड बना दिया गया है। देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पर सुग्रीव किला का ये, अब चाहे पीछे वाला द्वार कह लीजिए चाहे फ्रंट द्वार कह लीजिए। देखिए जितनी भी अधिकतर गाड़ियाँ सब पे जैसे ईंट रख देते हैं ताकि बंदर जो है नुकसान ना पहुँचाए।
देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ से लोग दर्शन करके इधर के साइड जा रहे हैं और दर्शन के लिए इधर के साइड जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का। चलिए हम इधर ही से उतरते हैं, फिर आपको ले चलते हैं सुगुरु किला पे, इधर के साइड बगल जो है। बहुत ही ज़बरदस्त जन्मभूमि पथ ये बनाया गया है। अभी इधर से आगे जाएंगे तो वहाँ रोक देते हैं, जाना है तो इधर ही से दर्शन के लिए जाइए। ये देखिए एक मंदिर यहाँ पे है, कौन सी है देखते हैं, शाहू श्री राम जानकी मंदिर। किसी को मैंने देखा था, वो बता रहा था कि सुगुरु किला को बनाया गया है ना, पूरा नहीं बनाया गया है, ये जो आपको फ्रंट दिख रहा है द्वार, जिसका नाम राजगोपुरम द्वार रखा गया है, इसको बनाया गया है। इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी है अनावरण करने के लिए आए हुए थे, देख सकते हैं फिर से एक बार। अभी चलते हैं ऊपर, ये देखिए बिल्कुल इस पॉइंट पे राम दरबार ये छोटा बना हुआ है। चलो ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया, मतलब पहले भी था। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो शिलान्यास मतलब इसका किए हुए थे इसके बारे में। अबे वो क्या हो गया, कुत्तों की लड़ाई। चलिए यहाँ शूज उतारते हैं तब ऊपर चलते हैं। देखिए जिगजैग टाइप में कैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं एकदम। सीढ़ियों पे जो है लाइटें भी देखिए लगाई गई हैं उन सब पॉइंट्स पे। ये देखिए यहाँ पे काफी सही यार, जिस हिसाब से जिसने भी दिमाग लगाया था इस टाइप की सीढ़ी, बहुत सही। अब चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए। ये देखिए देखिए पूरा ये क्या बेहतरीन लग रहा है यार। अभी देखिए मंदिर में भी जो है सिक्योरिटी वगैरह है। ये देखिए यहाँ पे मेन मंदिर, देखिए कितनी अच्छी मतलब कारीगरी की गई है, बहुत ही बारीकी से बनाए। इधर के साइड देखिए ये पूरा जन्मभूमि पथ बहुत ही बेहतरीन, और इधर से स्टार्टिंग पॉइंट वहां से देखिए सामने। बताई बहुत मार अब देखे इतनी ज्यादा उसकी हिम्मत बड़ी है, कैसे दौड़ा है। इधर से भी एक सीढ़ी देखी, इधर से भी गेट है, बट इधर वाला गेट जो है वो मेन है। देखिए यात्री सुविधा केंद्र कितने में ये बना हुआ है, इधर भी है कि अंदर वाला भी है। अभी चलते हैं, आपको थोड़ा सा इधर का भी दिखाते हैं, फिर चलेंगे अंदर के साइड। देख सकते हैं यहाँ से जैसे ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर के साइड ये फर्स्ट फ्लोर ऐसा कुछ बना हुआ है। बिरला धर्मशाला सामने, बिरला मंदिर इधर के साइड, हनुमानगढ़ी वो देखिए वहाँ पे है वो, और ये राजद्वार मंदिर। ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं एकदम यहाँ से नज़र आती हैं। अब बताइए कमेंट करके आपको ये कैसा लगा सुगुरु किला। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। देखिए अभी जो है शिखर का मेन काम चल ही रहा है। चलिए यहाँ से दोस्तों चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं उधर नीचे से, वो उस पॉइंट से जन्मभूमि के प्रवेश द्वार से। तो दोस्तों हम जो है सुगुरु किला से आ चुके हैं यहाँ पे प्रवेश द्वार के पास। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सामान
लोग रखे हुए हैं श्रद्धालु लोगों का, अभी जाएंगे, हो सकता है आगे वहाँ पे जमा करें या फिर बारी बारी से मतलब लोग जाएं दर्शन करने। आइए थोड़ा सा इधर दिखाते हैं आपको अंदर, तीर्थ यात्री सेवा केंद्र। ये देखिए इतनी सारी चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी बैठ के जो है रेस्ट करते हैं लोग। निःशुल्क आरती पास वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनता है, वीआईपी दर्शन वगैरह की चीज़ें भी यहीं पे बनता है। डोनेशन काउंटर भी है, ड्रिंकिंग वाटर भी है और महिला प्रसादन, पुरुष प्रसादन, ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं से जो है आप ये व्हील चेयर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का, वहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के बाद इतनी सारी देखिए व्हील चेयर यहाँ पे है। आइए अब इधर से हम चलते हैं इस रेलिंग में से, इधर से जाएंगे नहीं जाने देगा। कैमरे तो भैया पूछिए, बहुत सारे कैमरे हैं। चलिए इधर से चलते हैं आगे। देखिए इधर से भी सामने रास्ता है हनुमानगढ़ी जाने के लिए, इधर से भी हनुमानगढ़ी का एक सीधा जो है रास्ता उधर के साइड भी बनाया जा रहा है भक्ति पथमार से, तो उसको भी आपको दिखाते हैं अभी। मतलब एक रास्ता जो है बनाया जाएगा, चाहे इधर के साइड चाहे उधर के साइड, बहुत इसमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी ऐसे जाते उल्टा तो नहीं जाने देते। चलिए चलते हैं और आगे। देखिए एक सामने ये रास्ता है, चाहे इधर वाला हो चाहे पीछे वाला हो, बहुत जल्दी ही होगा। अभी जैसे देखिए हम आए थे आपको दिखा के ये वाला मार्ग, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। बंदरों का देखिए उत्पात, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा सिर्फ किला पे कैसे वो मेरे ऊपर जो है दावा बोल रहा था। देखिए इधर वाला भी, ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ये भी आगे के साइड चौड़ा किया जा रहा है। कैमरेज वगैरह बहुत सारे, अधिकतर दो दो तीन तीन पिलर छोड़ के सब पे जो है कैमरे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कैमरे। चलिए चलते हैं आगे। बीच बीच में दोस्तों देखिए ऐसे जो है ये बनाए गए हैं ताकि जिसको उस पार से इधर के साइड इमरजेंसी में कभी जाना हो जा सके, ऐसा थोड़ी थोड़ी दूरी पे गया। बट एटलीस्ट इस पॉइंट पे आके पहले नहीं था, क्योंकि जैसे आपको ये आ रहा है भक्ति पथ से तो इधर के साइड नहीं जावा, अब जिसको जाना है उधर दर्शन करके उधर के साइड तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ता था, तो इसको ये बाद में जो है छोड़ा गया है। इस वाले रास्ते को देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अभी सही है। चलिए इधर से चलते हैं आगे। अब हमें इस पॉइंट से इधर से फिर चलना है आगे की साइड, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने ली हैं जमा करके फिर ऐसे घूमते हैं उधर से फिर सामने राम मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे प्रोसेस है। इधर के साइड भी देखिए कुछ बैठने वाला बना हुआ है, निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी है। देखिए स्टार्टिंग में कैसा था, बिल्कुल ऐसे सीधे रास्ता हुआ करता था, बट सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अभी देखिए कितने चेकिंग काउंटर हैं, 1 2 3 4 कई सारे हैं, बट यूजली जो है 2 ही 3 यूज़ हो रहे हैं। आइए इधर से चलते हैं। ये देखिए चाहे छोटा बैग चाहे बड़ा बैग आपको यहाँ पे रख के ही जाना पड़ेगा, और यहाँ से आप चूक गए छिपा के ले गए तो आगे जरूर वहाँ पकड़े जाएंगे, 2-3 जगह जो है चेक होता है। देखिए इस साइड की ओर, इधर का भी एरिया वो उधर के साइड बनाया जा रहा है, देखते हैं अभी कितना उधर का निर्माण कार्य हुआ है। अभी इधर से होते हुए घूमते हुए उस पॉइंट से राम मंदिर की ओर मतलब जाते हैं लोग श्रद्धालु जो भी हैं। इधर के साइड शूज़ वगैरह जमा होता है, रैक बिल्कुल निःशुल्क है, मोबाइल वगैरह सामान वगैरह बिल्कुल निःशुल्क है। ये चीज़ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये नहीं कि कुछ ही क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शूज़ के रैकेट और ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी वगैरह भी देख सकते हैं कैसे मुस्तैद है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आइए चलते हैं आगे। देखिए ऊपर के साइड वर्कर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखिए कुछ ऐसी बन के निकलेगी। बीच वाला पॉइंट बिल्कुल जो है ऐसे ही मिलता जुलता बनेगा।
ये देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे सामने देख सकते हैं अभी बिल्कुल जो है नेट से घेरा गया है। बड़ी सी क्रेन से यहाँ पे भी है, साफ सफाई भी देख रहे हैं करा जा रहा है। आइए चलते हैं थोड़ा सा अंदर। ये देखिए यहाँ पे मंदिर जैसा कितना अच्छा ये बना हुआ है, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा था। ये देखिए यहाँ पे काउंटर वगैरह, कितने सारे काउंटर हैं, बहुत ज़्यादा। इधर की साइड का भी आपको काम दिखाते हैं, देखिए किस फिनिशिंग के साथ किया गया है। लॉकर क्रमांक 1 से 14 उधर के साइड है, बाकी इधर के साइड है। ये देखिए मिडिल वाले पार्ट को कितना ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त। उस पॉइंट पे कोई ना कोई जो है प्रतिमा लगाई जाएगी बीच में, देखिए। तो अभी मौके की स्थिति कुछ यहाँ की ऐसी हुई है, ऊपर के साइड उधर भी काम चल रहा है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, निकासी किधर से हो रही, इधर ही से निकासी हो रही है। अभी चलते हैं, खुला हुआ है गेट, उधर बंद है, जिसको दर्शन करने जाना है उधर की साइड जा सकता है। देखिए पूरा देखिए किस डिजाइन के पत्थर हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं अंदर के साइड कितनी ज्यादा सीट्स लगी हुई है बैठने के लिए, टॉयलेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल व्यवस्थित बनाया गया है। और छोटी छोटी जो है LEDs लगाई गई, छोटी क्या है काफ़ी बड़ी ही है, उस पर जो है लाइव जो है चलता रहता है। जय श्री राम। और दर्शन करके इधर से निकलते हुए ऐसे बाहर की साइड निकासी है। यहाँ पे भी देखिए टॉकेट वगैरह कितने सारे बनाए हैं, शौचालय वगैरह हैं, प्रसादन की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। चलिए अब इधर से निकलते हैं बाहर। देखिए कितने सारे लॉकर अंदर के साइड, बहुत ज़्यादा पूरे लॉकर ही लॉकर नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ से कितने ज़्यादा लॉकर हैं, बहुत ज़्यादा। उधर से सामान देंगे, इधर से आप सामान प्राप्त करेंगे। इधर की साइड देखिए पूरा वर्क हो रहा है, राम जन्मभूमि का पूरा एरिया इधर की साइड है। आइए चलते हैं सामने बाहर। ये देखिए सामने कोई टीला है, इस पे भी जो है कुछ चीज़ का जो है निर्माण कार्य चलेगा, कोई चीज़ अच्छी बनाई जाएगी। देखिए इस टीले को भी जो है बराबर किया जा रहा है, देखिए इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे। अरे चचा थोड़ा साइड हो जाओ। देखिए इस पॉइंट पे कैसे छोटे छोटे सरिया से लकड़ी से इसको बिल्कुल घेरा गया है। देखिए जो अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि इधर से जो है जब भीड़ लगी तो इधर से जो है गेट खोला जाए, ये सामने यहाँ पे है, इधर से होते हैं सीधा आप जो है जहाँ से हमने वीडियो को शुरू किया था उस पॉइंट पे जाके निकलेंगे। और शूज़ भी आप अगर उधर से जमा कर दें तो आपको इजी साइड से मिलेगा। ये देखिए यही वाला ये गेट है, डबल गेट है, उधर की साइड सिक्योरिटी, इधर की साइड भी सिक्योरिटी है, और सीधा जाके वहीं पे निकलेगा सामने। चलिए अब चलते हैं आगे उधर के साइड। देखिए यहाँ पे जो है टॉयलेट बॉक्सेस लगे हुए हैं जो कि साफ़ सफाई की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए इस पॉइंट पर भी उधर के साइड देख सकते हैं, और यहाँ पे ये वाटर ATM लगा हुआ है। आइए अब हम वापस जन्मभूमि पथ से जो रास्ता खुला हुआ था उस पार जाने के लिए उधर से निकलते हैं। आइए दोस्तों अब इधर से चलते हैं इस साइड की, और यहाँ पे बीच में रास्ता जो हमने आपको दिखाया ये खोला गया, नहीं तो अभी हमें उधर से घूमते हुए फिर इधर आना पड़ता। 2-3 बार जो है ऐसा, मैंने भी स्टार्टिंग में वीडियो बनाया तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो इधर से रास्ता खुल गया जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी देखिए बैठने वाला बना हुआ है, यहाँ पे भी महिला शौचालय पुरुष शौचालय है। और इधर के साइड ये जो मार्ग बना है इसको आपको दिखाते हैं, जितने भी बेचने वाले हैं उनको सख्त मना है कि आप जन्मभूमि पथ पे नहीं बेचें। इस पॉइंट से आपको बेचने वाले देखने को मिले, देखिए इस पॉइंट पे यहाँ से ये वाला मार्ग। अब इधर से ये होते हुए देखते हैं मार्ग का काम अभी क्या कैसे हुआ। देखिए बेचने वाले यहाँ से आपको मिल जाएंगे।
ये सीधा जो है भक्ति पथ मार्ग के इधर के साइड आता है। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा ही भीड़ नजर आ रही है। ये देखिए कंदमूल फल 20 रुपए का एक छोटा सा बाइट देते हैं। देखिए काफी ज्यादा चौड़ा है मगर अभी जो है रोड नहीं बनी हुई है। यहाँ से राम मंदिर नजर आता है, नजर आ भी रहा है। ओके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, देखिए शिखर का काम हो रहा है उस पॉइंट पर वहाँ पर। तो जल्दी ही जो है बनने के बाद काफ़ी अच्छा जो है नज़र आएगा। इधर से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, अभी चलते हैं ऊपर भी। देखिए यहाँ से चलते हैं, देखते हैं माँ राम मंदिर पे अगर ऊपर एंट्री हो रही होगी तो। कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। एक बार मेरी जो है बाइक की चाबी जो है यहीं पे खो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो घर से जो है चाबी मंगानी पड़ी मुझे। देखिए ये भक्ति पथ मार्ग इधर से, और इधर हम चलते हैं हमारा राम मंदिर के अंदर। अब भक्ति पथ मार्ग से डायरेक्ट आप इधर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, आइए इधर से चलते हैं अंदर। ये हमारा राम मंदिर का परिसर, आइए चलते हैं अब ऊपर के साइड। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पर्ची कटा के आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत सही है। देखिए दोस्तों अमावर राम मंदिर के सामने पर्ची कटाने के बाद यहाँ पे अंदर पूरी भीड़ लग जाएगी। बैठते हैं लोग, फिर बारी बारी से 2-3 पाली में जो है अंदर के साइड फिर भोजन ग्रहण करते हैं। डेली का ये है, शाम को भी भोजन मिलता है अब। ये देखिए अमावा राम मंदिर का ऐसा कुछ परिसर है। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, यहाँ से दिखेगा राम मंदिर आपको। ये देखिए दोस्तों आ चुके हैं अमावा राम मंदिर की छत पर, और ये जो है गोल्डन कलश लगा हुआ है, और इसके ठीक इधर के साइड भव्य राम मंदिर। यहाँ देखिए ये बाकायदे जो है लकड़ी की सीढ़ी भी बन चुकी है कि इस पर भी आप चढ़ के देख सकते हैं राम मंदिर। यहाँ से देखिए कुछ निर्माण कार्य जो है इधर के साइड इस में भी हो रहे हैं, वहाँ पे जैसे हो रहा है, और सामने राम मंदिर भी देख सकते हैं। देखिए अभी मौके की स्थिति बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, और जो है परकोटा का भी काम देख सकते हैं उधर के साइड ये, और इधर के साइड भी ये देख सकते हैं क्रेन्स वगैरह लगी, 1, 2, 3 क्रेन्स इधर, 3 इधर, मतलब इतना तेज काम हो रहा है भाई साहब। आप बस गिनिए देखिए कितने ब्लैक ब्लैक जो लंबा लंबा दिख रहा है, 4 इधर दिख रहा है और 3 इधर दिख रहा है, बीच में 2 उधर नज़र आ रहा है, 2 दिखे उधर के साइड वो भी नज़र आ रहा है, उस पॉइंट पे 2 निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा क्रेन से भाई साहब, बहुत ज़्यादा भव्य लग भी रहा है हमारे सनातन धर्म का राम मंदिर, हमारे हिंदुत्व का राम मंदिर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। शिखर देखिए वो वाला बन रहा है, आपको दिखाते हैं। ये वाला शिखर नहीं है, इसके ये पीछे वाला जो है वो शिखर है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बन जाने के बाद कम्प्लीट। तो सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। आइए उस साइड से थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जो है नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। जब अभी तो धुंध टाइप का थोड़ा सा मौसम है, जब मौसम बरसात का रहता है और धूप निकलती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा ड्रोन उड़ाते हुए, ड्रोन यहाँ पे उड़ाना सख्त मना है। नहीं तो आदमी अगर ड्रोन उड़ा सकता है तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अंदर जाके भी पूरी वीडियो बना सकता है। इलीगल तरीके से ड्रोन उड़ाते हैं लोग, पकड़े जाने पे ना चैनल रहेगा ना वो रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी धाराएँ लगती हैं, मगर लोग तो भी लोग नहीं मानते हैं। हमने बड़े बड़े क्रिएटर से भी पूछा हुआ है, बाकायदे परमिशन लेके तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। जिस दिन किसी को पकड़ा जाएगा ना उस दिन आप पूछिए मत, चैनल भी जाएगा वो भी जाएगा। तो दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।